तक हमने देखा है वो है अमेरिकन्स का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और वो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट के तहत जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस था वो था ब्रिटिश रूल। अब हमको थोड़ा बहुत जानना ये है कि हाउ डिड द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अमेरिका, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट होता है ना कोई भी चीज़ का, कारण अमेरिका, कारण ब्रिटेन था और इफेक्ट क्या हुआ, अमेरिका की क्रांति। तो कारण ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल का एक पैटर्न था, वो पैटर्न के कारण ही अमेरिकन्स ने क्रांति कर दी। अगर ब्रिटेन अपना पैटर्न को चेंज करता तो हो सकता था कि क्रांति नहीं होगी। हमने देखा अभी तक के पहले थोड़े समय के पहले कि किस तरह से अमेरिकन्स को कहां कहां सेटल करा दिया गया। 1600 में इन्होंने सबसे पहली कॉलोनी बनाई थी अमेरिका के अंदर। 1700 तक आते आते इन्होंने यहां पे इसका फुल टाइम एक्सप्लोटेशन करना शुरू कर दिया, और जैसे इंडिया के अंदर किया था, और उसी का ही फाइनली रिएक्शन मिला आपका 1776 के अंदर। तो यही आपका पूरा एक थ्री वे प्रोसेस था, और वो प्रोसेस के तहत ही अमेरिका का रिवॉल्यूशन हमको जानने आता है। अब देखिएगा कि अमेरिका का जो ऊपर रूल करने वाला शासन था वो था मोनार्की। ब्रिटेन के अंदर मोनार्की हुआ करता था, बेसिकली किंग और क्वीन जो आपका मोनार्क था वो सबसे पावरफुल था, और जहां जहां पे आपको मोनार्की मिलेगा तो वहां पे वो अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश कराएंगे, और वो एक ही चीज बोलेंगे कि हमको पैसा कमा के दो। तो जहां जहां आपकी मोनार्कियल सिस्टम हुआ करती है तो वो एक इकोनॉमी फॉलो करती है जिसे कहा जाता है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म के तहत वो उसका इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन करेगी जो मदर कंट्री होगी अपनी कॉलोनी का, और साथों साथ उसको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं देगी। वैसे इंडिया के अंदर किया ना यूनिलेटरल ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमने देखा ही पिछले क्लासेस के अंदर कि किस तरह से होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि डू यू थिंक दैट द मर्केंटलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन वॉज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन के द्वारा जो शोषण होता था नीतियों, अपनी आर्थिक नीतियों के कारण ही अमेरिका की क्रांति हुई। आप देखेगा मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की रानी एक ही चीज मांगती रहती थी, वो था पैसा, अपना सपना मनी मनी। ये पैसे के तहत ब्रिटेन जब अमेरिका के ऊपर रूल करने लग गया तो ब्रिटेन ने बहुत सारे एक्ट पास किए, जैसे एक एक्ट था जिसका नाम था नेविगेशन एक्ट। ये नेविगेशन एक्ट के तहत अमेरिकन्स को बोल दिया जाता है कि आपको आज के बाद खाली ब्रिटिश शिप्स का उपयोग करना है, कोई दूसरे प्रदेश के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। अमेरिकन्स बोलेंगे कि यार हमको स्पेनिश शिप्स अवेलेबल है, फ्रेंच शिप अवेलेबल है, डच शिप अवेलेबल है, नहीं वो सब शिप यूज नहीं करोगे, हमने आपको सेटल किया है तो आप हमारी शिप से यूज करोगे। अमेरिकन्स बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। इसके बाद और एक साल थोड़ा बहुत समय निकल जाता है, एक और एक्ट लेके आए जिसका नाम था एन्यूमरेटेड कॉमोडिटीज एक्ट। कॉलोनीज वर कंपेल्ड टू एक्सपोर्ट शुगर, टोबैको, कॉटन, इंडिगो ओनली टू इंग्लैंड। हमने देखा ना कि ये कॉटन, टोबैको और इंडिगो आपके मिडल और साउदर्न स्टेट्स के अंदर उग रहे थे, वहां पे इनका बहुत सारा प्रोडक्शन भी था। तो ब्रिटेन को लगा कि ये दूसरे कोई कंट्री के साथ ट्रेडिंग करे नहीं चलेगा, अमेरिकन्स को खाली ब्रिटेन के साथ ट्रेडिंग करना है ये पांच छह प्रोडक्ट्स को लेके। अमेरिकन्स फिर से बौखला गए, बोले ये क्या, इन्होंने पूरी की पूरी सिस्टम डेवलप कर दी है। इसके बाद और समय निकलता है, तीन साल के बाद एक और एक्ट लेके आए जिसका नाम है स्टेपल एक्ट। बोल दिया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका को, सॉरी इंडिया और अमेरिका को ट्रेड करना हो तो वाया ब्रिटेन जाना पड़ेगा। बोले ये क्यों, बोले बीच में आपकी शिप पहले जैसे अमेरिका से कॉटन बना के या टोबैको उगा के इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से क्रॉस करके फिर फाइनली ये लोग इंडिया जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में ब्रिटेन के अंदर शिप रुकेगी तो शिप ब्रिटेन उसके ऊपर टैक्स लेगा, ड्यूटी लेगा, अपने अपने कस्टम्स जितने भी बैरियर्स है वो सब इम्पोज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन्स को जो जो फायदेकारक था वो फायदा ब्रिटेन उनसे हटा रहा था। एक और एक्ट आया जिसका नाम है एनफोर्समेंट एक्ट। जब ये सब चीजें ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स फॉलो नहीं कर रहे थे तो ब्रिटेन ने उनका पूरा का पूरा जो स्मगलिंग है वो स्टॉप करने के लिए एक और एक्ट लाके आया जिसका नाम था एनफोर्समेंट एक्ट। तो दे वांटेड टू स्टॉप द स्मगलिंग बाय द अमेरिकन्स। इसके बाद 1750s तक आते आते ब्रिटेन और एक एक्ट लेके आया, आयरन एक्ट, हैट एक्ट, वुलन एक्ट। बोले ये एक्ट के तहत अमेरिका को बोल दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि ये सब की सब चीजें आपको इंग्लैंड से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आयरन एक्ट, ब्रिटेन अमेरिका को बोलता है कि भाई आपको अपना रॉ एंड प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको ब्रिटेन से। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड चल रहा था और वहां पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। बट ये ब्रिटेन अमेरिकन्स को कंपेल कराता है। बोले हैट एक्ट, वो बड़ी सी मैंने बताया जादूगर वाली टोपी ऊपर पहनते थे अंदर से खरगोश निकलता है, बोले वो टोपी आपको नहीं बनानी है, बोले वो भी आपको ब्रिटेन से इंपोर्ट कराना है। वुलन एक्ट, द अमेरिकन्स कैन नॉट मेक वुलन क्लोथ्स। बोले ठंडा प्रदेश है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतने ऊपर की लाइन के ऊपर और आप बोल रहे हो कि वुलन क्लोथ नहीं बनाना, यार ये क्या बात हो गई। बट ये इसी तरह से उनको कंपेयर करा दिया गया और ब्रिटेन यहां से सबसे ज्यादा एक्सप्लोटेशन चाहता था।
ब्रिटेन का एक ही इंटेंशन था, वो था अपना सपना मनी मनी. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटेन वाज डन ऑफ अमेरिका वाज डन बाय द ब्रिटेन, और ब्रिटेन का जो मोनार्क था वो यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा कमाता था. एंड बाय 1750s द अमेरिकन रियलाइज द कॉज ऑफ सॉरो एंड दैट वाज इंग्लैंड. बोले इंग्लैंड ही हमारे पूरे दुख का कारण था, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते थे, इंग्लैंड हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, इंग्लैंड हमारा पॉलिटिकल इवोल्यूशन रोक रहा है, और सोशली हम लोग इससे बहुत ही आगे है, कल्चरली बहुत आगे है, फिर भी हमारे ऊपर राज कर रहा है. और इसी के कारण अमेरिकन्स को लगता है कि देयर इज टू मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वी नीड टू डू समथिंग, हमको कुछ करना पड़ेगा. अब देखेगा कि ये जो कुछ करने वाली बात थी, इसका सबसे पहला आपको यहाँ पे रिएक्शन अमेरिका के अंदर 1754 के अंदर नहीं, 1754 के अंदर अल्बाने नाम की एक जगह है. ये अल्बाने कांग्रेस के अंदर यहाँ पे 7 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक यूनियन प्रपोज करते हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं कि हम लोग को एक हो जाना चाहिए और एक होके हमको ब्रिटेन के ऊपर यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए कि ये अपनी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाली जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है उसको दूर कर दे और हमारा शोषण ना करे. बट हुआ क्या कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये यूनियन प्रपोज किया तो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग थे, इन्होंने बोल दिया कि इट्स टाइम फॉर दैट, अभी नहीं, हमको यूनियन नहीं बनाना. ऐसी क्या हालत थी कि इन्होंने मना कर दिया. जब यहाँ पे अल्बाने के अंदर, यहाँ पे 1754 के अंदर मिले, उसका ये पिक्चर है जब आपके 7 रिप्रेजेंटेटिव्स कॉलोनीज के मिलते हैं. तो मुद्दे की बात ये आ रही थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक यूनियन प्रपोज किया, अमेरिकन्स ने मना कर दिया, जो भी उस टाइम के अंदर कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव थे. और उसके दूसरे ही दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने न्यूज़पेपर के अंदर एक फोटो पब्लिश किया, और फोटो के अंदर इन्होंने एक बड़े से सांप को 7 या 8 टुकड़ों के अंदर काट दिया और बोल दिया, बोले एक हो जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे, एक हो जाओ वरना मारे जाओगे, इंग्लैंड तुमको खत्म कर देगा. ये चीज बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रपोज करते हैं, ज्वाइन और डाई. बट हुआ ये कि अमेरिकन्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो प्रपोजल था यूनियन का, एक संगठन बनाने का, वो रिजेक्ट कर दिया. हमको ये जानना है कि अमेरिकन्स पागल थे क्या, अमेरिकन्स मूर्ख थे कि 1750s तक उनको पता चल गया था कि उनका शोषण इंग्लैंड कर रहा है, उसके बावजूद उन्होंने एक यूनियन नहीं बनाया. वर अमेरिकन्स पॉलिटिकली अमैच्योर? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल बाय द अमेरिकन कॉलोनीज? ऐसा क्या कारण हो गया था कि अमेरिका कि कॉलोनीज के ये हाथों के साथ रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन बनाने के लिए सहमत नहीं होते? उसके पीछे दो कारण जिम्मेदार होगा. पहला कारण है वो है फ्रेंच, एंड दैट इज द फ्रेंच प्रॉब्लम इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. और दूसरा है, इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल वे के अंदर जाएंगे, वो है पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो नीति है, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, वो नीति किस तरह से परिवर्तन लाती है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे. 1754 के अंदर जो चीज प्रपोज की गई थी उसको दरकिनार कर दिया जाता है 1776 के अंदर. विद इन अ स्पैन ऑफ 22 years, the Americans thought of uniting themselves, और वो भी 7 की जगह उसके डबल मिला के 13 कॉलोनीज इकट्ठी हो जाती है. ऐसा क्या हो जाता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. पहला वो है फ्रेंच प्रॉब्लम. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि फ्रेंच नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेटल थे, कैन यू सी दिस ब्लू वाला थिंग? ये जो ब्लू लेजेंड है, जो आपको ब्लूइश स्पॉट्स दिख रहे हैं, लाइट ब्लू वाले या नेवी ब्लू वाले, दे आर ऑल रिलेटेड टू द फ्रेंच ऑक्यूपेशन इन नॉर्थ अमेरिका. और फ्रेंच यहाँ पे अपने एरियाज को ऑक्यूपाई किए हुए थे नॉर्थ अमेरिका के अंदर. एंड द फ्रेंच बाय 1756 टू 1763 ब्रिटिश के साथ में लड़ते हैं, जिसे कहा जाता है 7 years वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं. एंड इंडिया के अंदर लगड़ रहे थे, यूरोप के अंदर थोड़ा बहुत फाइटिंग हो रहा था, साथों साथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये लोग युद्ध कर रहे थे. द फ्रेंच वर ट्राइंग टू एंटर द ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज. और इसी के चक्कर के अंदर यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपको पढ़ाया था, जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लेके गया था, उसके अंदर ना जाते हुए फ्रेंच का ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपना बेस सेटल था, और वो बेस से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे एंड दे वॉन्टेड टू एंटर द ब्रिटिश कॉलोनीज. सो द फ्रेंच पीपल वर थिंकिंग To enter the British colonies, can you see this yellow thing? तो ये लोग यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के कारण यहाँ पे जो फ्रांस का राजा था लुई 16 बता देता है कि I will annex all the territories of Britain in North America. तो ब्रिटेन की रानी बोलती है कि ये हम लोग करने नहीं देंगे. और अमेरिकन्स कन्फ्यूज हो गए थे, बोले अभी क्रांति करने की कोशिश करेंगे और ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ऐसी हालत हो जाएगी कि ब्रिटेन हार जाएगा. ब्रिटेन हारेगा
तो हमारे ऊपर जो नया राज करने वाला इंसान होगा, जो ऊपर से अटैक कर रहा है, वो है फ्रांस। वो तो ब्रिटेन से भी बदतर है। तो अमेरिकन के लिए तो बुरी हालत खराब थी। एक साइड पे खाई, दूसरे साइड पे कुआ। इंग्लैंड इनके लिए खाई थी, फ्रांस इनके लिए कुआ था। खाई के अंदर तो ऐसा था कि एटलीस्ट इन लोग को पता है कि ये खाई के अंदर हमको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत नुकसान जो भी हो रहा है वो लिमिटेड वे के अंदर हो रहा है। वी नो द एरिया एटलीस्ट। यहाँ पे कुएं का तो पता नहीं कि कितना कितना गहरा है, कितना नहीं है, और ऊपर से इसके अंदर हालत खराब हो जाएगी अगर फ्रेंच इनके ऊपर रूल करना है। और इसी के कारण जब 1754 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अल्बेनी के अंदर जो अपना यूनियन प्रपोज किया था, वो यूनियन को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस अगर इंग्लैंड के साथ में युद्ध कर रहा है और अगर इंग्लैंड का पराजय होता है तो हो सकता है कि फ्रांस पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना दबदबा हासिल कर देगा, और वो अमेरिकन्स को कभी पसंद नहीं था। अमेरिकन्स को पता था कि दो बुरे इंसानों के बीच में से उनको चुनाव करना है, तो जो अच्छा बुरा होगा, द गुड बैड, उसको ये लोग डिसाइड करेंगे। और इसी के कारण दे सपोर्टेड द इंग्लिश ड्यूरिंग द सेवन ईयर्स वॉर। और इनको पता था कि अगर ब्रिटेन के ऊपर यूनियन बना के प्रेशर डालने की कोशिश की, अगर अलग होने की कोशिश की, तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और हो सकता है फ्रांस हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दे। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों इन्होंने रिवॉल्ट नहीं किया, क्यों इन्होंने यूनियन नहीं बनाया 1754 के अंदर। अब हुआ यह कि 1763 के बाद अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स ने दोनों ने मिलके फ्रेंच को खदेड़ दिया, बोले तुम निकलो यहां से, और फ्रेंच प्रॉब्लम नॉर्थ अमेरिका के अंदर खत्म हो गया। अब हुआ यह कि इंग्लैंड की पॉलिसी 1763 के बाद चेंज हो जाती है। अचानक से ही इंग्लैंड अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन लाएगा और वो परिवर्तन भी अमेरिका की क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पहला परिवर्तन 1760 के बाद आया और उसके पहले भी 1760 के पहले भी इंग्लैंड की पॉलिसी कुछ अलग थी। पॉलिसी चेंज हुई उसके पहले हम लोग प्री 1760s एंड पोस्ट 1760s पॉलिसीज को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। प्री 1760 बेसिकली इंग्लैंड ने जितने भी एक्ट पास किए, ये हैट एक्ट, नेविगेशन एक्ट, वुलन एक्ट, फिर एन्यूमरेटेड कॉमोडिटीज एक्ट आदि इत्यादि एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी एक्ट थे वो सब एक्ट के ऊपर इनका लूज एग्जीक्यूशन होता था। तो इनको है ना ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कराया जाता था। मन किया तो पकड़ा, मन किया तो चालान नहीं भरा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके छूट गए। तो बेसिकली ब्रिटेन पर थ्रू आउट अमेरिकन्स को ब्लेम करता रहता था कि ये स्मगलर्स है, ये सबके सब सुल्तान मिर्जा है, यहाँ पे स्मगलिंग करते रहते हैं, अमेरिकन गुड्स को अलग अलग देशों के अंदर बेच रहे हैं, और इसी के कारण। बट 1760s के बाद आते आते अमेरिकन सोसाइटी इतनी डेवलप हो गई थी, तो अमेरिकन सोसाइटी ने बोल दिया कि भाई वो तुम्हारे लिए स्मगलर हो गए, हमारे लिए हमारा मिडिल क्लास है, हमारे ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार पैरामीटर है वही हमारा ये मिडिल क्लास है। और इसी के कारण जब ब्रिटेन 1760 के बाद अपना टाइट इम्पोजिशन कराता है, जब ये कानून को अच्छी तरह से पालन कराने की कोशिश करेगा, तो हमको जानकारी मिलती है कि अमेरिकन रिवॉल्ट करने के लिए बहुत ही उनको प्रेशर कर दिया जाता है। अब मुद्दा ये आता था कि इन्होंने इतना टाइट इम्पोजिशन क्यों किया? ब्रिटेन को क्या अचानक से ही समझ में आ गया था कि अमेरिकन रिवॉल्ट करने वाले थे? नहीं, कारण यह था कि 7 वर्ष का जो युद्ध खत्म हुआ, पोस्ट द 7 ईयर्स वॉर, इंग्लैंड वांटेड द अमेरिकन्स टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। अमेरिका को एहसास कराता रहा ब्रिटेन कि भाई हमने आपको बचाया है तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, ऐसे भी आप ये जितने भी एक्ट पास किए उसमें आप टैक्सेस तो भरते नहीं हो, तो यू हैव टू पे फॉर दिस थिंग। और इसी के कारण 1763 के अंदर एक नई पॉलिसी आई जिसे कहा जाता है टाइट कंट्रोल पॉलिसी। एक से एक कानून पास किए जाते हैं, एक से एक नए शासक आएंगे, और इसी के कारण ब्रिटेन एक्शन लेगा और अमेरिका रिएक्शन देगा। तो याद रखेगा, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज द ब्रिटिश एक्शन एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज द अमेरिकन रिएक्शन। 1763 के आसपास ही वहां पे ब्रिटेन के अंदर शासक चेंज होता है और नया प्राइम मिनिस्टर आता है ग्रेनविल। ये ग्रेनविल अपनी नई नीति को लेके आएगा और ये ग्रेनविल एक प्रोक्लेमेशन करता है जिसका कहा जाता है क्राउन्स प्रोक्लेमेशन। अगर आपको जानकारी होगी तो मैंने आपको बताया कि अमेरिकन्स को ईस्टर्न कोस्ट के अंदर सेटल करा दिया था 13 की 13 कॉलोनीज को। अभी अमेरिकन चाहते थे कि इनको और रिसोर्सेज मिले एंड दे वॉन्टेड टू गो डीप इन साइड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बट ये क्राउन प्रोक्लेमेशन के अंदर बोल दिया जाता है दैट द अमेरिकन्स कैन नॉट क्रॉस द अपलाशियन माउंटेन्स एंड सेटल टू द वेस्ट ऑफ इट। बोले इसके वेस्टर्न पोर्शन के बाहर आप नहीं जा पाओगे, आपको इतनी ही औकात है, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। तो ये आपकी ये जो येलो
सॉरी ये जो रेड लाइन दिख रही है दैट इज द अपलाशियन माउंटेन्स एंड द अमेरिकन्स वांटेड टू गो एंड क्रॉस द अपलाशियन माउंटेन्स एंड सेटल ऑन द अदर साइड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अपलाशियन माउंटेन्स पर ब्रिटेन ने उनको मना किया तो अमेरिकन्स बौखला गए अमेरिकन्स वांटेड टू एक्सपांड द ब्रिटेन वांटेड टू स्टॉप देम एंड ऑल्सो शो साइमल्टेनियसली कंसिलिएटरी अप्रोच टुवर्ड्स द रेड इंडियंस ब्रिटेन चाहता था कि ये जो रेड इंडियंस को इन्होंने खदेड़ दिया है उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिलेटरी अप्रोच आए उनको वहां पे सेटल करा दिया जाए अमेरिकन्स को वहां पे भेजना नहीं चाहिए तो अमेरिकन्स बौखला गए 1763 के अंदर कि आपने बिना पूछे ही ये डिसीजन ले लिया यूनिलैटरल डिसीजन कि किसको कहाँ पे सेटल करना है कहाँ पे नहीं करना 1764 के अंदर एक और नया डिक्लेरेशन आता है और ये डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन एक एक्ट पास करता है जिसका नाम है पासिंग ऑफ करेंसी एक्ट करेंसी एक्ट के तहत बोल दिया जाता है दैट द अमेरिकन्स कैन नॉट यूज देयर ओन करेंसी उनको ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग यूज करना है अमेरिकन्स बोलते हो पागल हो गए हो कि मैं आपकी करेंसी क्यों यूज करूंगा मुझे अमेरिकन करेंसी हमारी खुद की जो डेवलप हुई है उसको यूज करने दो ब्रिटेन ने उसके लिए मना किया उसके बाद एक और एक्ट आया शुगर एक्ट बोल दिया गया कि अमेरिकन्स को खाली शुगर कहां पे एक्सपोर्ट करना है भले भले लंदन के अंदर अमेरिकन्स बोलते हैं मुझे स्पेनियर ज्यादा भाव दे रहा है मुझे ये जो पोर्चुगीज है वो ज्यादा अच्छा हमको कमा के दे रहे हैं बोले नहीं आपको इंग्लैंड के अंदर ही एक्सपोर्ट करना है इसके बाद एक और एक्ट लेके आया जिसका नाम है क्वार्टरिंग एक्ट और ये क्वार्टरिंग एक्ट के तहत बोल दिया जाता है कि ऑल द ब्रिटिश सोल्जर्स हु आर सेटल्ड इन अमेरिका उन सबको खर्चा किसको देना पड़ेगा उन सबका खर्चा बोले अमेरिकन को देना पड़ेगा अमेरिकन बोलते हैं कि ये चीज नहीं चलेगी वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग और आप हमारा शोषण कर रहे हो और ये शोषण के तहत ऊपर से इसका टाइट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं डंडा लगा लगा के बोला जाता है कि आपको ये लॉ पास करना है और इसका हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे किसी ने फॉलो नहीं किया तो हम लोग इसको मानेंगे नहीं अब हुआ ये कि इसी के चक्कर में 1765 के अंदर इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम है स्टैम्प एक्ट अगर आपको जानकारी होगी इंडिया के अंदर भी कि बहुत सारी आपको अगर रेवेन्यू मैटर्स के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आपको स्टैम्प पेपर या स्टैम्प लगाना पड़ेगा आपको वो उसके ऊपर पेजेस के ऊपर और उसके बाद ही आप वो ट्रांजेक्शन करेंगे सिमिलरली ब्रिटेन ने भी ये पास किया और बोल दिया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स डॉक्यूमेंट डेक ऑफ कार्ड्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोले पेपर के ऊपर बोले ये न्यूज़पेपर के ऊपर आपको स्टैम्प लगाना है बोले ये कैसी बात हो गई दिस वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स विच वॉज पास बाय ब्रिटेन एट दैट टाइम इन 1765 एंड एज अ रिजल्ट अमेरिकन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अमेरिकन ने बोल दिया कि हम लोग बॉयकॉट करते हैं वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस और हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तो जब स्टैम्प एक्ट पास कराया तो अमेरिकन ने ऐसे स्टैम्प्स बनाए और ये लोग जानबूझ के इस तरह का ये जो स्केलेटन वाला स्टैंप है वो लगाने की कोशिश की और इनको बोल दिया गया जब इतना बॉयकॉट बढ़ जाता है और प्रोटेस्ट बढ़ता है तो इसका आपको अमेरिकन्स का जो बॉयकॉट का रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा 1764 के अंदर ये लोग करीबन 22 लाख के आसपास कमा रहे थे उसकी जगह ये लोग 19 लाख पाउंड के ऊपर इनका रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है ओके साथ साथ स्टैम्प एक्ट का प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया 13 की 13 कॉलोनीज के अंदर और इसी के कारण यहाँ से एक स्लोगन उभर के आता है जिसे कहा जाता है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन याद रखेगा कि अमेरिकन चाहते थे कि वी आर रेडी टू पे द टैक्स बट हम लोग उन्हीं को ही टैक्स देंगे जो हमारा प्रतिनिधित्व करता हो एक साथ और निकल जाता है 1766 के अंदर नया पीएम आता है जिसे कहा जाता है रॉकिंगहैम और रॉकिंगहैम यहाँ पे जब अमेरिकन इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे उसकी ध्यान में लेते हुए बोल देता है कि भाई आई एम रिपेलिंग द स्टैम्प एक्ट आप हम लोग ये जो स्टैम्प एक्ट है उसको हम लोग रिपेल कर देते हैं बट साथों साथ रॉकिंगहैम एक और चीज डिक्लेयर करता है जिसे रॉकिंगहैम डिक्लेरेशन भी कहा जाता है और इसी को ही कहा जाता है डिक्लेरेटरी एक्ट रॉकिंगहैम बताता है कि वी आर विड्रॉइंग द स्टैम्प एक्ट बट वी आर ऑल्सो सेइंग दैट वी हैव द राइट टू टैक्स यू अमेरिकन बोलते हैं बोले सठियाई गए हो बोले पागल हो गए हो क्या बोले मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि मैं उसको ही टैक्स दूंगा जो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है आप तो लंदन से बड़े बड़े अफसरों को यहाँ पे भेज देते हो और बोले यहाँ पे शासन चलाओ एंड एज अ रिजल्ट अमेरिकन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और अमेरिकन बोलते हो कि भाई वी आर रेडी टू पे टैक्स बट ओनली टू दोज पीपल हु रिप्रेजेंट अस एंड द ब्रिटेन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल एंड एज अ रिजल्ट द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वो और स्ट्रांग होता है वो और पावरफुल हो जाता है और अमेरिकन ब्रिटिशर्स को कंपेल करते हैं कि आप कुछ भी हो जाए हम लोग ये चीजें यहाँ पे
इम्पैक्ट नहीं कराने देंगे. ओके, तो डिक्लेरेटरी एक्ट, आई से आई कैन पास एनी लॉ ऑन यू लॉट एंड देयर इज नॉट अ थिंग यू कैन डू अबाउट इट. तो ये ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज III ये सब चीजें उटपटांग बोलता रहता है. 1767 के अंदर आ जाता है. 1767 के अंदर ब्रिटेन का जो आपका रेवेन्यू का जो चांसलर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिसे बोला जाता है, वो यहाँ पे एक एक्ट पास करता है जिसका नाम है टाउनसेंड एक्ट. ये टाउनसेंड एक्ट के तहत ये जितने भी एसेंशियल कॉमोडिटीज थी, जैसे आपके खाने पीने की चीजें हो गई, पेपर, ग्लास, टी आदि इत्यादि जितने भी एसेंशियल कॉमोडिटीज थी, उसके ऊपर इसने एक्ट लागू कर दिया और बोल दिया कि इसके ऊपर अमेरिकन्स को टैक्स देना पड़ेगा. अमेरिकन्स ऑलरेडी स्टैम्प एक्ट के कारण और डिक्लेरेटरी एक्ट के कारण बहुत बौखला गए थे, और इसी के चक्कर में अमेरिकन्स बोल देते हैं कि हम लोग अब तो आंदोलन कर देंगे. जो चीज हमको यहाँ पे 1930s एंड 1940s के इंडिया के अंदर देखने को मिल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, वही चीज आपको अमेरिकन की सोसाइटी की मैच्योरिटी 1767 के अंदर देखने को मिलती है. एंड अमेरिकन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. अमेरिकन ब्रिटेन को बोल देते हैं कि हम तो आपका कोई भी अत्याचार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड एज अ रिजल्ट बोस्टन नाम की जगह के अंदर यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो प्रोटेस्ट के अंदर 5 मार्च 1770 के दिन बोस्टन नाम की जगह के अंदर एक हत्याकांड हो गया जिसे कहा जाता है बोस्टन मैसेकर. सेम वे आप याद करें 1922 के अंदर भारत के अंदर जो पीक पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत, तो वहां पे भी वही था चौरा चौरी. तो सेम वे यहाँ पे बोस्टन मैसेकर होता है, और ये मैसेकर के तहत बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. वो प्रोटेस्टर्स को ब्रिटेन के जो आर्मी के और पुलिस के अफसरान थे वो उनको गोली दाग देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं. अमेरिकन बहुत गुस्से हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि पानी सर के ऊपर चला गया है, अब तो हम लोग आर पार की युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं. एंड एज अ रिजल्ट ये टाउनसेंड एक्ट के कारण अमेरिकन्स को बहुत ही बौखलाहट हो जाती है. ओके, तो टाउनसेंड एक्ट, काउंटरिंग एक्ट, बहुत सारी किस तरह से रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा आपको ये चार्ट के थ्रू समझ में आता है. 1773 के अंदर यहाँ पे ब्रिटेन का एक नया पीएम आता है बोस्टन मैसेकर के बाद, और उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ. लॉर्ड नॉर्थ बताता है कि भाई मैं, मेरे जितने भी पुराने शासक थे उन्होंने जितने भी एक्ट पास किए हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, एंड मैं आज से डिक्लेयर करता हूँ कि आई एम वेइंग ऑफ द ड्यूटीज एंड द एक्ट्स विच आर लेड ऑन द अमेरिकन पीपल एक्सेप्ट टी. और वो 1772 के अंदर टी एक्ट पास करता है. अमेरिकन्स बौखला गए, बोले एक साइड के ऊपर आप बताते हो कि हम लोग हर एक टैक्स को नाबूद कर रहे हो और बोल रहे हो कि आप चाय के ऊपर टैक्स ले रहे हो. अमेरिकन्स बोलते हैं कि भाई हम लोग, आप टैक्स लेते हो उसके लिए हमको बहुत बड़ी तकलीफ है, हम उसी को ही टैक्स देंगे जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा हो. बोले यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस एंड अमेरिकन्स. और जब इसका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चलता है तो अमेरिकन्स बोल देते हैं कि वी विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द शिप्स विच कैरीज टी टू अमेरिका, और हम लोग यहाँ पे उसका प्रोटेस्ट करेंगे. तो जब इतना माहौल गर्म हो चुका था 1770 तक आते आते और अमेरिकन्स बौखला गए थे, और चाय की क्रांति तो आपको पता ही है 1770 के अंदर अमेरिका के अंदर शुरुआत हो गई थी, 2014 के अंदर चाय ने क्रांति करा दी भारत के अंदर. तो उसी तरह से आपको ये चाय नाम की जो प्रोडक्ट थी वो चाय के कारण अमेरिकन्स बौखला गए, और ये चाय भी आती थी इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से लंदन भेजती थी, लंदन से फिर अमेरिका जाता था. ब्रिटिशर्स ने यह भी बताया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब डायरेक्टली ये स्टेपल एक्ट को बाईपास करते हुए डायरेक्ट अमेरिका से इंडिया और इंडिया से अमेरिका ट्रेड कर पाएंगे. बट अमेरिकन्स बौखला गए, बोले वी विल नॉट अलाउ एनी शिप्स टू एंटर अमेरिका जो चाय लेके आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, एंड वी आर रिजेक्टिंग द राइट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन बाय द ब्रिटेन. बोले हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. 1772 का समय, टी एक्ट पास कर दिया जाता है, और अमेरिकन रेबल्स जितने भी लीडर्स है, अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप जो मैच्योर हो चुकी थी, वो लोग बोल देते हैं कि वी विल नॉट अलाउ एनी शिप्स टू एंटर यूएसए. और इस कंडीशन के अंदर लॉर्ड नॉर्थ कंफ्यूज था. लॉर्ड नॉर्थ बोलता है कि यार अमेरिकन्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मामला बहुत गर्म हो चुका है, बोस्टन के अंदर 2 साल पहले ही हत्याकांड हो चुका था और अमेरिकन्स उससे भी नाराज है, तो वी हैव टू डू समथिंग. इस कंडीशन के अंदर बहुत सारी जगह के ऊपर, मैंने बताया फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क जैसे पोर्ट्स के ऊपर से अमेरिकन्स ने शिप को वापिस भिजवा दिया था, बोले हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे एक मैसाचुसेट नाम का स्टेट और उसकी जो कैपिटल हुआ करता था बोस्टन, उसका एक गवर्नर हुआ करता था हचिसन. हचिसन बोलता है लॉर्ड नॉर्थ को और ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि बोले आने दो मैं ये बोस्टन नाम का जो पोर्ट है मेरा, वहां पे आराम से ये टी को डिबोर्ड कराऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे एकदम काबिले तैयार हूँ, और ये अमेरिकन रेबल्स, अमेरिकन लीडर्स जो भी ये चाय को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जब ये कंडीशन अमेरिका के अंदर 1773 के अंदर
जो उसका जो वाकया जो इवेंट उभर के आता है जिसे कहा जाता है बॉस्टन टी पार्टी। अब ये पार्टी के अंदर पे अमेरिकन लीडर्स और अमेरिकन रेबल्स, उसमें से ही ये रेबल्स के लीडर हुआ करते थे सैमुअल एडम्स। और सैमुअल एडम को जब जानकारी मिलती है कि बॉस्टन नाम के पोर्ट के अंदर ये हचिसन नाम का इंसान यहाँ पे पूरी की पूरी शिप को, जिसके अंदर चाय भरी हुई है, वो शिप को यहाँ पे लंगर करा रहा है, उसको एंकरिंग करा रहा है, तो बोल देते हैं अपने जितने भी साथीगण थे उतने भी लीडर से, बोले चलो चलो बॉस्टन चलो चाय पीने, वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी करेंगे हम लोग। फाइनली ये पार्टी का दिन 16 दिसंबर 1773 के आते हैं और ये लोग बड़ा सा टेबल इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे अपने साथीगणों को बिठा के मस्त दूध वूध उबाल के, शुगर वुगर डाल के, अदरक डाल के, और उसके बाद वहाँ पे चाय बना के ये लोग पार्टी कर देते हैं। खैर वो सब होता नहीं है वहाँ पे, एंड ये जितने भी अमेरिकन रिबर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो बॉस्टन नाम के पोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं और रेड इंडियंस का पूरा हुलिया बना के जाते हैं जो अमेरिकन नेटिव्स हुआ करते थे, और वो लोग वहाँ पे जाके उपद्रव मचा देते हैं और वो जो शिप थी जिसके अंदर ये सब चाय भरा के आती थी वो सब की सब चाय को इन्होंने समुंदर के अंदर डाल दिया। तो वो समुंदर के लिए टी पार्टी थी, अमेरिकन्स के लिए नहीं थी। समुंदर ने बहुत सारी चाय पिया उस दिन, करीबन 20,000 पाउंड की चाय पी गया था समुंदर, और वहां पे ही ये इवेंट को बोला जाता है बॉस्टन टी पार्टी। तो जब ये बॉस्टन टी पार्टी की वाक्य हो जाती है तो इंग्लैंड बहुत सारा गुस्से हो जाता है। इंग्लैंड बोल देता है कि भाई वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ लाइक नो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बाय द अमेरिकन्स, एंड इसी के कारण 1774 के अंदर इंग्लैंड एक और एक्ट पास करता है जिसका नाम है इनटॉलरेबल एक्ट। ये इनटॉलरेबल एक्ट का पूरा पैकेज था। ये पैकेज के तहत अमेरिकन्स को बोल दिया गया कि आप पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे हम लोग बॉस्टन पोर्ट को बंद कर देंगे जब तक हम लोग को इसका कंपनसेशन नहीं मिलता। साथों साथ सैमुअल एडम्स और उनके जितने भी मित्रगण थे, उसके जितने भी एकम्प्लिसेस थे, उन सबको अरेस्ट करके लाओ, तब तक हम लोग ये पोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे। अमेरिकन्स बोलते हैं पानी सर के ऊपर चला गया है, वी हैव टू डू समथिंग। और इसी कंडीशन के अंदर अमेरिकन कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव 1774 के सितंबर महीने के अंदर पहली एक मीटिंग करते हैं जिसे कहा जाता है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर यहां पे अमेरिकन्स मीटिंग करते हैं, तो इसी का ही रिएक्शन आपको इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलेगा। किंग जॉर्ज III बता देता है 1775 के अंदर कि दिस इज अ रिवॉल्ट। बोले आप कांग्रेस की मीटिंग कर रहे हो और हमारे खिलाफ ये पूरा का पूरा आंदोलन छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड एज अ रिजल्ट किंग जॉर्ज III सेंड्स हिज ओन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज गेट और जनरल गेट। ये जनरल गेट की लीडरशिप के अंदर अपनी सेना भेजते हैं और यहाँ पे अमेरिकन्स भी तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग लड़के करेंगे, हम लोग आज़ादी लेके जाएंगे। बोले आने दो एक एक को, जॉर्ज वाशिंगटन बता देते हैं, बोले एक एक को चुन चुन के मारूंगा होकर। और यही कंडीशन के अंदर फाइनली ऑन 4 जुलाई 1776 द अमेरिकन मीट एट द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया और वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे आजाद। बोले हम क्या चाहते हैं, आजादी, ब्रिटेन से आजादी, ये ब्रिटिश गवर्नर से आजादी। एंड फ्रॉम 1776 व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज मेड द ब्रिटिशर्स like not tried to fought against the Americans, and 1776 से लेके 1781 तक यहाँ पे ये युद्ध चलेगा 5 साल तक, जिसे कहा जाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस टाइम के अंदर ब्रिटेन ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, वो यॉर्कटाउन नाम की जगह के अंदर अपनी सेना का सरेंडर करेंगे। एंड फाइनली जनरल वाशिंगटन यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं कि चलो सिग्नेचर साइन कर दो सरेंडर की, और लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं कि जी हुजूर। फाइनली 1783 के अंदर ब्रिटेन अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज कर देता है और आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, तो यॉर्कटाउन इज वॉन, कॉर्नवालिस स्वॉर्ड इज डिलीवर्ड टू अमेरिकन फोर्सेस, कॉर्नवालिस टेकन। तो उस टाइम के अंदर अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वो पूरी की पूरी लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो 5 साल तक युद्ध चलता है, उसके बाद 2 साल के बाद 1776 से 1781 तक युद्ध चलेगा, उसके 2 साल के बाद 1783 में अमेरिका को रिकॉग्नाइज करा दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा युद्ध के इवेंट से हम लोग ज्यादा इसके अंदर देखेंगे नहीं, हमने कारण देख लिए कि क्या थे कारण। अब हम लोग देखेंगे वो है आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन।